हेलो स्टूडेंट, चलो क्या दिया क्वेश्चंस में? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज अ असर्शन एंड अदर इज लेबल एज अ रीजन। मींस हमारे पास असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। ओके, अब चलो असर्शन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ फोटोन्स आपने कैलकुलेट किया रहेगा बहुत जगह पे। नंबर ऑफ फोटोन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपको पता है पावर का फॉर्मूला कितना होता है? नंबर ऑफ फोटोन्स इन इन टू एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइड बाय टाइम्स। तो पावर इज इक्वल टू एन, एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच न्यू डिवाइड बाय टाइम्स। तो यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन्स कितना आ गया? नंबर ऑफ फोटोन इज पावर इन टू टाइम डिवाइड बाय एच न्यू। ध्यान से देखो, नंबर ऑफ फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आ रहा है। तो नंबर ऑफ फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब इफ नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज देन क्या होगा? सॉरी, आप ऐसे बोल सकते हैं, इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा देन क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स डिक्रीज होगा। बट यहाँ पे असर्शन में क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, बट फॉर्मूले के हिसाब से क्या आ रहा है, ये रेसिप्रोकल है, मीन्स क्या रिवर्स हो रहा है। मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, असर्शन इज इनकरेक्ट। क्लियर? चलो समझ में आया यहाँ पे। नाउ सेकेंड वन, अब सेकेंड रीजन क्या दिया अपने पास, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज विद फ्रीक्वेंसी। ओके, अब इसको कैसे जस्ट करोगे? आपके पास फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है, तो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। अब ध्यान से देखो, अगर आप क्या कर रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज विद फ्रीक्वेंसी, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा बिकॉज वर्क फंक्शन कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इफ इन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज देन क्या बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। इसका मतलब रीजन करेक्ट है, बट असर्शन इनकरेक्ट है और रीजन क्या है, करेक्ट है। तो ऐसा कहीं पर दिया है कि आपके पास ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट एंड आर इज करेक्ट। आर इज नॉट, यहाँ लिखा हुआ ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन कट कर लो, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो लास्ट डी ऑप्शन क्या है, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। क्लियर समझ में? चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।